Good morning, student. We'll continue with chapter number 10. Now, here is describe the picture given below and discuss it with your friends. यहाँ पे ये जो देखो पिक्चर है बस स्टैंड का सीट है. देन द पर्सन इज स्टैंडिंग. देन आप देखोगे वो स्पिट कर रहा है बेंच पे. देन द पुलिस मैन हैज़ गिवन हिम द पनिशमेंट टू क्लीन इट राइट. सो इट्स अ ड्यूटी टू प्रिजर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी राइट. हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसके यहाँ गंदगी फैलाना नहीं है. हमारा फर्ज बनता है कि हमारी आस पास की एरिया जो है वहाँ हम क्लीनिनेस मेंटेन करें. हु इज़ राइट नाउ हेयर नेक्स्ट वन इज. यहाँ पे एक देखिए आप पिक्चर देखोगे फर्स्ट पिक्चर में ओ डोंट स्पिट हेयर. जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को बोल रहा है यहाँ पे थूको मत दीवार पे. देन अदर पर्सन इज सेइंग डोंट वरी इट हार्डली मैटर्स. तो वो बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है चलता है सब. Now, in the third picture, you can see कि he is showing him कि आपने ऐसे spit किया है. Then, last picture हमें बोल रहा है nobody likes to see litter around. हमारे आसपास अगर गंदगी होती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो हम कहीं भी जाते हैं public place में या क्या, तो हमारी duty बनती है हम उसे clean करके रखें. Now here is one column. You just have to think on it. What would you say about the boy who dirted the wall? आप क्या बोलोगे उस लड़के के लिए जिसने ये वॉल गंदा किया. What could possibly have happened in the third picture? थर्ड पिक्चर में क्या हुआ रहेगा ऐसा. If your friends dirts or spoils a public place, what advice would you give him? अगर आपका कोई दोस्त ऐसा गंदा करता है या कोई चीज़ को ख़राब करता है किसी पब्लिक प्लेस को ख़राब करता है तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे. What will you do? You have to write it on your own in the book. If somebody waste water in a school, अगर कोई पानी वेस्ट करता है स्कूल में क्या करोगे. If the ground is littered, ग्राउंड पे कचरा जमा पड़ा हुआ है. What if your friends damage the plant, अगर आपके दोस्त जो है प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं. If the washroom of your school is not clean, क्या करोगे. If scribbles on the wall in the school, अगर स्क्रिबल्स हैं स्कूल की दीवारों पे देन व्हाट यू विल डू. इफ़ somebody कट इज़ अ ट्री, कोई जार काट देगा देन व्हाट यू विल डू. इफ़ somebody bats their animal ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर और lake, यू हैव टू राइट इट डाउन द आंसर इन दिस. हाउ मच वाटर इज वेस्टेड, ये एक एक्टिविटी है बट आई विल टेल यू कि यहाँ पे थिंग्स रिक्वायर्ड अ टम्बलर ग्लास या स्टील का ग्लास वो चाहिए. स्कूल या कोई भी प्लेस टाइम पीरियड 1 आवर है. ये है कि एक एक्टिविटी कंडक्ट किया है कि हम नल खुला छोड़ देते हैं तो कितना पानी वेस्ट होता है. सो वी हैव टू सेव द वाटर. यहाँ पे कैलकुलेट एंड नोट डाउन किया हुआ है. 1 आवर में 2 लीटर वाटर वेस्ट होता है. 5 आवर्स में 10 लीटर्स. 24 आवर में 48. 160 आवर्स में 336 वाटर वेस्ट होता है. 672 में 2 लीटर्स तो 1344 लीटर वाटर वेस्ट होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली इवन 4 लीटर ऑफ वाटर इज इनफ फॉर अ पर्सन इन अ वन डे. एक दिन में हर एक पर्सन को अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 लीटर जो है पानी पीना ज़रूरी है. दिस 4 लीटर इज एक्सक्लूडिंग वाटर यूज फॉर बाथिंग. बाथिंग के अलावा इतना पानी हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए उतना हमें पीना है. नाउ कंसीडर हाउ मच वाटर इज वेस्टेड फ्रॉम अ ड्रिपिंग टैप. नल खुला रह जाता है या नल जो है डैमेज है तो उसमें से जो पानी ड्रिप होता है तो कितना पानी वेस्ट होता है. अवर प्रॉपर्टी अवर मनी. प्रोटेक्ट मेमोरियल्स मोन्यूमेंट एंड पब्लिक प्लेस. जो हमारे पास
मेमोरीज़ जो पड़ी हैं, जो मोन्यूमेंट्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको हमें संभाल के रखना है। आवर मोन्यूमेंट्स आर आवर प्राइड, हमारे मोन्यूमेंट्स जो है हमारी देश की शान है। आवर मनी इज़ यूज्ड फॉर द अपकीपिंग ऑफ द पब्लिक मेमोरियल्स, हम जो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को लाइक टैक्सेस पे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ही वो इस्तेमाल होता है। Forest, lake, river, wild birds, animals are common property. Forest, lake, river, जो wild birds, animals ये हम सबकी common property है. Preserving these public places our duty. इन सबको preserve करके रखना ये हमारी duty बनती है. Conserving the environment is our duty. Environment को भी conserve and preserve करके रखना भी हमारी duty बनती है. Preserving public place is everyone's responsibility. Public place को भी preserve करके रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है. Taking care of public property is everyone's duty. Public property का ध्यान रखना हर एक person की duty है. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है हम सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है. It is a crime to damage a bus, train to fulfill our demand. ये क्राइम है अगर हम बस को डैमेज करते हैं या ट्रेन को हमारी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए. Along with using public property, we should preserve it too. हम पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसे संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना भी हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 10. ओवर हियर वन कॉलम इज देयर, इन दैट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी. है कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.